बदल रहा कुछ, बदलेंगे तब बदलेगा, जब बदलेंगे कुछ, देखा है कुछ, देखेंगे कुछ, लिखा है कुछ, लिख देंगे कुछ, बदल रहा कुछ, बदलेंगे तब बदलेगा, जब बदलेंगे कुछ, देखा है कुछ, देखेंगे कुछ, लिखा है कुछ, लिख देंगे। यारो चलो, यारो चलो, बदलने की रुत है। यारो चलो, यारो चलो, संवरने की रुत है। यारो चलो, बदलने की रुत है। यारो चलो, संवरने की रुत है। कह रही तू ठहरना नहीं, गगन कह रहा तू बिखरना नहीं, जमीन कह रही मुझको छूके तो दे, और आंख मिला सच से झरना नहीं। यारो चलो, यारो चलो, बदलने की रुत है। यारो चलो, यारो चलो, संवरने की रुत है। यारो चलो, बदलने की रुत है। यारो चलो, संवरने की रुत है। शुरुआत में हमने विद्यार्थियों को खेल और अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ाया, लेकिन हमें धीरे धीरे लगने लगा कि विद्यालय की जो बिल्डिंग है इसका स्वरूप ठीक नहीं था। लगभग पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे पेंट तक नहीं हुआ था, तो हमें थोड़ा दुख होता था कि राजकीय विद्यालय जैसे दिखने चाहिए वैसा नहीं दिखता था। हमने प्रयास किए आदरणीय प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में, और शुरुआत में हमने कई संस्थाओं को अप्रोच किया। फिर हमने आदरणीय लवानिया जी को एक बार बुलाया, स्कूल को विजिट करवाया, तो बस उसी सब प्रेरणा से सबसे पहले विद्यालय के स्टाफ ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों ने प्राइमरी ब्लॉक में एक सुंदर गार्डन बनाया। फिर बस ये यात्रा चल पड़ी और हमने अपने दोस्तों को इस यात्रा में सहयोग के लिए कहा, गांव को कहा, तो सभी का बहुत शानदार सहयोग रहा। और अभी आसपास गांव में सब लोग कहने लगे हैं कि भैया राजकीय विद्यालय जिंदोली तो अब किसी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा नज़र आने लगा है। बच्चे खुश हैं, गार्डन में खेलते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि एक राजकीय विद्यालय अपने नए स्वरूप में सुंदर नज़र आने लगा है। और निरंतर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे और मेरा विश्वास कि देश में राजकीय विद्यालय इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें जिससे देश निरंतर प्रगति करे। मैंने जब विद्यालय में जुलाई 2019 में ज्वाइन किया तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं तो थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे विद्यालय को वाइट वॉश की आवश्यकता है। कुछ छोटे बच्चों की कुछ फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी कमी थी, और बस दिमाग में एक ही बात थी कि विद्यालय को किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेट संस्थान के बराबर लाना है। और इसमें जो सहयोग था उस वो सहयोग विद्यालय का तो चाहिए था, स्टाफ का चाहिए था, साथ में गांव वालों का सहयोग भी चाहिए था, और जो हमारी SDMC थी उसका भी सहयोग चाहिए था। SDMC की मीटिंग बुलाई, गांव वालों की मीटिंग बुलाई, और बुला करके एक ही बात सभी गांव वालों से कही कि विद्यालय को कैसे हम ऐसा बनावें, सुंदर बनावें, जिससे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़े, विद्यालय का वातावरण अच्छा हो और विद्यालय का नामांकन बढ़े। गांव वालों ने सबने हमने मिलकर के ये डिसाइड किया कि सबसे पहले इस सौंदर्यकरण का कार्य कराया जाए,
जिसमें हमारे शाला के जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है संजय जी, उन्होंने बड़ी महती भूमिका निभाई और हम सब ने ये ठाना कि कहाँ से शुरुआत की जाए। एक दिन राजेश लवानिया जी को हमने बुलाया और उनको विद्यालय दिखाया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस विद्यालय को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी ब्लॉक को अच्छा करें। हमने सबसे पहले प्राइमरी ब्लॉक से ही अपनी शुरुआत की क्योंकि वो बहुत ख़राब स्थिति में था, अच्छी स्थिति में नहीं था। हमने उससे शुरुआत की और यात्रा को बढ़ाया, धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई, गाँव का सहयोग मिलता गया और हमने अपने नामा न केवल नामांकन को बढ़ाया बल्कि विद्यालय में अब इस समय दूर दूर से लोग हमारे विद्यालय को देखने आ रहे हैं। बड़ा सुंदर विद्यालय हमने बनाया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे, अपनी यात्रा को जारी रखेंगे कि हमारा विद्यालय आसपास के ब्लॉक में, जिले में एक केंद्र बिंदु बना रहे और लोग हमसे भी प्रेरणा लें, हम और भी अच्छे विद्यालयों से भी आगे प्रेरणा लेते रहेंगे ताकि हमारे विद्यालय की जो कमियाँ हैं उनको हम ठीक कर सकें।